आउटपुट टैक्स में और इनपुट टैक्स शीट में दोनों में ही डिफरेंस आ रहा है। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, इसका क्या करना है। हेलो गाइज, मैं स्कोतम गाइस, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी रिकॉन्सिलेशन शीट बनाना सिखाने वाला हूँ। गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ ही मिनटों में बुक्स का पोर्टल से रिकॉन्साइल कर सकते हैं। और गाइस इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आपकी ITC बुक्स में ज़्यादा है तो उसका क्या करना है, और यदि पोर्टल पर ज़्यादा है या कम है तो उसका क्या करना है। तो गाइज ये सभी बातें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहो। गाइज यदि आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइज चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज हमने एक शीट टैक्स पेबल की बनाई है और एक शीट हमने इनपुट टैक्स की बनाई है, मतलब कि टैक्स रिसीवेबल की बनाई है। ठीक है, तो ऊपर आपको लिखना है जीएसटी रिकॉन्सिलेशन शीट। ठीक है, ये 21 की है यानी कि P21। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए है। और ये टैक्स पेबल एज पर बुक्स वर्सेस पोर्टल, और इसमें क्या करना है देखिए, आपको सबसे पहले जानने की आवश्यकता ये है, आपको यहाँ पर कॉलम बनाना है IGST का, फिर CGST का, फिर SGST का, फिर टोटल का, और ये किसका होगा एज पर GSTR 3B, मतलब कि 3B के अकॉर्डिंग हमें IGST CGST SGST डालनी है। फिर टोटल यहाँ पर हमारी टैक्स आ जाएगा पेबल, क्लियर। फिर उसके बाद एज पर GSTR 1। तो गाइस देखिए, हमें एज पर GSTR 3B, एज पर GSTR 1 और एज पर बुक्स, तो तीनों को ही लेकर हमें यहाँ पर चलना है। और हमारा एज पर GSTR 3B, एज पर GSTR 1, एज पर बुक्स, तीनों हमारे मैच होने चाहिए। यदि डिफरेंस है तो उसका क्या करना है आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो एज पर GSTR 1 में हम यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू लेंगे, फिर उसका टोटल ओवरऑल GST ले लेंगे, GST टैक्स। ठीक है, तो फिर उसके बाद एज पर बुक्स, अब इसमें भी हमें IGST का कॉलम, CGST का कॉलम, SGST का कॉलम, ठीक है, ये लेना है। फिर उसके बाद हमें आउटपुट, अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक कॉलम और ऐड कर देते हैं, वो हमारा किसका होगा, वो हमारा टोटल हो जाएगा, टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर GSTR 3B का टोटल है, इसी प्रकार हम एज पर बुक्स में भी टोटल ले लेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद इनका डिफरेंस, देखिए आउटपुट GST डिफरेंस, मतलब कि यहाँ पर हम बनाएंगे एक कॉलम IGST का, CGST का, SGST का और टोटल GST डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस किसका है और कितना है। ठीक है, क्लियर। अब ये तो थी टैक्स पेबल की शीट जो आपको तैयार करनी है, ये आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। मैंने आपको बता दिया है किस नाम के कॉलम आपको ऐड करने हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको बना लेनी है। और अन्यथा आपको ये शीट चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद इनपुट टैक्स शीट, यहाँ पर GST टैक्स रिसीवेबल की आपको बनानी है। ठीक है, इसी प्रकार सेम बनेगी, सेम कॉलम होंगे। ठीक है, बेसिक IGST CGST SGST और टोटल। ठीक है, फिर यहाँ पर ऐसी बेसिक एज पर बुक्स के अनुसार IGST CGST SGST, फिर टोटल, फिर इनका डिफरेंस, तो सेम कॉलम बनेंगे, ऊपर की हेडिंग चेंज होगी, क्लियर। तो चलते हैं अब आउटपुट टैक्स शीट पर। तो सबसे एज पर GSTR 3B, तो हम सबसे पहले लेंगे अप्रैल मंथ का। ठीक है, तो हम चलते हैं GST पोर्टल पर, जो कि हमने पहले से ही यहाँ पर ओपन की हुई है वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर अप्रैल मंथ सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद देखिए ये हमारी क्वार्टरली रिटर्न है, मतलब कि हम जिसका जिसका GST रिकॉन्साइल कर रहे हैं वो क्वार्टरली रिटर्न हम फाइल करते हैं या करते थे, क्योंकि अब तो QRMP स्कीम आ गई। तो
तो इसमें इसकी वन जो है वो क्वार्टरली जाती है, तो हम थ्री भी ओपन करेंगे यहाँ पर, मंथली रिटर्न थ्री भी इसको हम ओपन करेंगे, और इसकी जो फिगर है वो हम शीट में डालेंगे, ये भी तो मैच कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने ओपन किया, तो यहाँ पर इसकी कोई भी थ्री भी नहीं है। एक्चुअली अप्रैल का मंथ में लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन के चलते इसने ना ही कोई परचेज़ किया ना ही कोई सेल किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम शीट में 00 जैसे हमारा है ऐसे ही रहने देंगे, क्लियर। यदि हमारी GSTR 3B में भी 0 है तो वन में तो रहेगा ही 0, ठीक है। अब बात करते हैं एज़ पर बुक्स, तो अब बुक्स में भी चलते हैं एक बार। तो हम क्या करेंगे, बुक्स है इसे बैलेंस शीट में जाएंगे सबसे पहले, गेटवे ऑफ टैली पर जाकर बैलेंस शीट, ठीक है। और यहाँ पर जाएंगे हम ड्यूटी एंड टैक्सेस में, फिर उसके बाद F12 प्रेस करेंगे, सो ओपनिंग बैलेंस को यस करेंगे, फिर इसके बाद ये इसे भी यस करेंगे, फिर नो, फिर यस, ठीक है। अब मंथ यहाँ पर हम एक एक अप्रैल 20 से 30/4/20, तो आप देख सकते हैं ना ही कोई डेबिट में इसका बैलेंस है ना ही कोई क्रेडिट में है, मतलब कि यदि पोर्टल पे भी नहीं है तो इसमें भी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। मतलब हमारा एज़ पर GSTR 3B में भी कोई सेल परचेज नहीं है अभी तो फिलहाल, हम इसमें टैक्स पेबल की बात कर रहे हैं, पर यदि हम इस वाली शीट पर भी आएंगे तो इसमें भी हमें 0 ही करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, अप्रैल को ऐसे ही रहने देते हैं, 0 है तो 0 ही रहेगा। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ मई की, ठीक है। तो पोर्टल पर चलते हैं एक बार, और यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर पीरियड चेक करेंगे, इसके बाद मई। तो एक बार इसको भी 3B को हम चेक कर लेते हैं, वन तो है नहीं इसमें, तो इसमें भी जो हमारी मई है, मई मंथ है, इसमें भी कोई भी नहीं है, यानी कि इसने कोई सेल परचेज ही नहीं किया है। तो चलेंगे सीट पर और इसको भी हम 00 ऐसे ही रहने देंगे, ना ही सेल है ना ही, तो एज़ पर GSTR 3B तो इसमें 0 ही है, ठीक है। एज़ पर GSTR 1, अब बात करते हैं इनवॉइस की, तो एक बार हम जब क्वार्टरली ये वन रिटर्न फाइल कर रहा है तो क्वार्टरली बेस देख लेंगे। अब चलते हैं बुक्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर पीरियड जो है अपना चेंज करेंगे, 1 मई 2020 से 31/5/20 एंटर कर देंगे, तो ना ही इसमें डेबिट में है कोई ना ही क्रेडिट में है कोई बैलेंस, तो इसको 0 रहने देंगे। अब चलते हैं जून पर, ठीक है, तो जून पे चलते हैं, इसको बैक कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमें एक एक मंथ को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, और उसी के अनुसार ही देखना पड़ेगा हमें, तभी हम पूरे साल का GST रिकॉन्सिलेशन यहाँ पर हम तैयार कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम इसमें आपको नहीं लगेगा, अब देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर GSTR 1 है, ठीक है, क्योंकि क्वार्टरली इसकी फाइल होती है, इस पर क्लिक करेंगे हम, वन में चेक कर लेते हैं एक बार, तो इसमें देखते हैं कितने हमारी GSTR 1 में हमारी आउटपुट है। तो गाइस आप देख सकते हैं B2B में कोई हमारा इसमें नहीं है, और इसमें किसी भी कॉलम में कोई भी हमारा बिल एंटर नहीं है, तो इसका मतलब 0 है, क्लियर। मतलब कि अप्रैल मंथ, अप्रैल मई जून, ठीक है, ये तो हमारी 0 है, इसमें कोई भी सेल नहीं हुई है। अब एक बार हम बुक्स में भी देख लेते हैं जून में जाकर, 1/6/20, 30/6/20 एंटर कर लेते हैं, ठीक है। बट इसमें हमारा जून में इसमें दिखा रहा है, ठीक है, डेबिट मतलब यानी कि इनपुट टैक्स, क्रेडिट मतलब आउटपुट टैक्स। अभी तो फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारी
पेबल मतलब कि आउटपुट टैक्स की, जो कि हमारा क्रेडिट साइड में है, ठीक है, हमारा बुक्स में है, लेकिन पोर्टल पे इसमें नहीं दिखा रहा है। देखिए तो हुआ क्या है, हमने बुक्स में तो ले लिया है लेकिन जीएसटी पोर्टल पर नहीं चढ़े हैं, ठीक है। एक बार जो है हम जून में जाकर इसको 3B में और चेक करते हैं एक बार। ठीक है, इसमें हम चेक करेंगे एक बार। तो देख सकते हैं आप, इसमें जो है हमारा वन में तो हमने डाली नहीं है कोई भी अमाउंट, मतलब कि इसमें आउटपुट टैक्स नहीं दिखाया, लेकिन 3B में दिखाया, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा मिसिंग है, तो हम शीट पे जाएंगे सबसे पहले वन के अकॉर्डिंग, ठीक है, या सबसे पहले हम ले लेते हैं एज़ पर GSTR 3B, कौन सा मंथ, जून। IGST, तो IGST कितना है, 4470 रुपये। CGST 17,225 रुपये। SGST 17,225 रुपये, टोटल हो गया 38,920 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, देखिए मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज़ किया हुआ है वो बता देता हूँ। स्कल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंटर। अब हमें इसे कॉपी कर कर यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो यही हमारा आ गया 38,920 रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं एज़ पर GSTR वन की। ठीक है, तो एज़ पर GSTR वन के अकॉर्डिंग हमने कितना लिया है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार हम दोबारा वन में चेक कर लेते हैं, कहीं हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, नहीं है, ठीक है। तो हम जाएंगे GSTR 3B में। 3B में जो हमने आउटपुट टैक्स डाला हुआ है उसको हम शीट में एंटर करेंगे, ठीक है। इसमें नेट स्लो चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा प्रोसेस होने में देरी हो रही है। ठीक है, जून मंथ था हमारा। ठीक है, तो इसमें तो हमारा है ही नहीं, एज पर GSTR 1 हमारा है नहीं, ठीक है। अब एक बार बुक्स में हम इसको मैच कर लेते हैं, तो बाकी को हम यहाँ पर हाइड कर देते हैं कॉलम को, सिर्फ यही रहने देते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर आउटपुट आउटपुट CGST 16,549 है, ठीक है। तो इसको और हमारा IGST है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हाइड कर देते हैं, तो 17,224 ये हमारा CGST है। देखिए ये रहा 17,224 2467, इसी प्रकार इतना ही हमारा SGST बनेगा, 17,224.67। क्लियर। अब बात करते हैं IGST की, तो इसे अनहाइड कर देते हैं, और यहाँ पर जो हमारा IGST कितना है, ये रहा 4,470, 4,470। तो टोटल में यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वही वही हमें फॉर्मूला लगाना है, इक्वल दिस प्लस दिस प्लस दिस, एंटर। और इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है।
ठीक है, नीचे तक यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इसको। करने के बाद अब यदि हम डिफरेंस देखें तो एज पर बुक्स में भी हमारा सेम यहाँ पर हमारा आउटपुट है, ठीक है, 38920 ये है, 38920 ये है, क्लियर। अब इसी प्रकार ही सभी जितने भी मंथ हैं हमारे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो सभी की ऐसे ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, एज़ पर GSTR 3B, ठीक है, तो 3B के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, फिर उसके बाद एज़ पर GSTR 1 के अनुसार चेक करेंगे, फिर बुक्स के अनुसार कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस कितना है। इसी प्रकार एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, किसमें, टैक्स रिसीवेबल में, मतलब कि हमारे इनपुट टैक्स की जो शीट है इसमें कैसे करेंगे। तो हमने चेक किया था पहले ही पोर्टल से, तो ये हमारे नील थे, इसमें कोई भी हमारी IGST, CGST, SGST नहीं थे, ठीक है। सीधे हम चलते हैं जून मंथ में, ठीक है, तो हम जाएंगे पोर्टल पे, तो जून मंथ में हम ऑलरेडी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जून मंथ, ठीक है। अब एज पर GSTR 3B, तो 3B में है ऑलरेडी हम। अब देखिए कितनी हमने RTC ली हुई है, IGST में कितनी है, 25436, सॉरी एक मिनट, हमारी IGST कितनी है, 25436। इसी प्रकार CGST में 732 है और SGST में भी 732 है, टोटल कितनी है हमारी RTC, 26,900 रुपये, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब चलते हैं बुक्स में, तो बुक्स में हमने ऑलरेडी यहाँ पर सभी ओपन किया हुआ है, तो हम जो आउटपुट वाला टैक्स है का जो कॉलम है इसको हाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब करते हैं हम एज पर बुक्स, तो बुक्स में IGST कितना है हमारा, ये हमारा IGST है 4470.16, ठीक है। अब SGST चेक करते हैं, 17,000, सॉरी ये तो हम गलती से क्रेडिट साइड में देख रहे हैं, ये है हमारा डेबिट साइड में हमारे इनपुट टैक्स है, ठीक है। तो IGST कितना, 25,436, ठीक है। CGST कितना है हमारा, इसको हम हाइड कर देते हैं, हाइड करने के बाद एक तो हमारे ये हैं, तो 732 रुपये और 675 रुपये, इनको हम टोटल करेंगे। अब क्या करते हैं हम जो है इनको हाइड करके यहाँ से नीचे देख लेंगे, 1407 रुपये, 1407 रुपये 28 पैसे, 1407 रुपये 28 पैसे। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, दिस प्लस एंटर, तो सभी में यहाँ पर फॉर्मूला कोई पेस्ट कर देंगे नीचे तक, क्लियर। अब ये यहाँ पर हमारा डिफरेंस आ रहा है, आप देख सकते हैं हमने एज पर 3B में जो इनपुट टैक्स डाला है वो है टोटल हमारा 26,900 रुपये। अब बुक्स में कितना आ रहा, 28,251, मतलब कि बुक्स में ज़्यादा है, तो उसका क्या करना है, यदि कम है तो उसका क्या करना है। अब मैं इस वीडियो को सबसे लास्ट में दिखाता हूँ, जब मैं इसमें पूरी शीट को फिल कर लूँगा, क्योंकि गाइस यदि मैं इसमें इसी प्रकार एक एक मंथ को डालूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अब मैं आपको पहले इसमें फिल करके बाद में दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ क्या करना है। यदि हमारी ITC बुक्स में ज़्यादा है और पोर्टल पे कम है तो उसका क्या करना है, यदि हमारा आउटपुट या ITC में जो भी डिफरेंस है उसका क्या करना है। A few moments later. तो गाइस मैंने जो है GST रिकॉन्सिलेशन शीट यहाँ पर तैयार कर ली है और मेरा आउटपुट टैक्स में और इनपुट टैक्स शीट में दोनों में ही डिफरेंस आ रहा है। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ इसका क्या करना है।
तो गाइस देखिए, अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ आउटपुट की। तो यदि आपने आउटपुट टैक्स यानी कि आपने सेल कम दिखाई है, ठीक है, तो आपके पास अभी एक मार्च मंथ बचा हुआ है, नेक्स्ट मंथ जो कि मार्च है, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, उसमें उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब कि जो आपके 3 मंथ की जो सेल है उसको आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ के ही इनवॉइसिस को ऐड कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, प्रीवियस 3 मंथ के, ठीक है, तो आप उसका उसको एडजस्ट कर सकते हैं मार्च मंथ में, क्लियर, और उसका टैक्स जमा करा सकते हैं, या कोई भी डिफरेंस है, कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर इनपुट टैक्स की। अब आपने क्या किया हुआ है, आपने पोर्टल पर इनपुट ज़्यादा लिया हुआ है और आपकी बुक्स में कम है, आपकी बुक्स में कम है, तो आप क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे मार्च में और उसका टैक्स जमा कराएंगे। तो मतलब कि कुल मिलाकर यदि आपके पास मार्च मंथ बचा हुआ है तो उसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, यदि कम है तो उसको ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा है तो कम कर देंगे, क्लियर, चाहे वो आपका इनपुट टैक्स हो चाहे आउटपुट टैक्स हो, ठीक है। और यदि आप ये वीडियो मार्च के बाद देख रहे हैं, यदि आप ये वीडियो मार्च के बाद देख रहे हैं, तो आपको ये एनुअल रिटर्न में ही चेंजेस कर सकते हैं, यदि आपने ITC ज़्यादा क्लेम किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको टैक्स जमा करा सकते हैं किसमें, एनुअल रिटर्न में, ठीक है। यदि आपने मार्च मंथ मिस कर दिया है तो सिर्फ आप जो चेंजेस कर सकते हैं, आपकी जो क्लेरिफिकेशन होगी वो होगी एनुअल रिटर्न में, क्लियर। तो गाइज़ ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।